पाकिस्तानी एक न्यू ड्रामा आने जा रहा है जिसका नाम है जेंटलमैन। दोस्तों ये ड्रामा बड़े ही कमाल का होने वाला है। काफ़ी लोग हैं इस ड्रामे का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ड्रामा हमें कब देखने को मिलेगा, इस ड्रामे की स्टोरी क्या है, क्या हम इस ड्रामे की स्टोरी देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, क्या हम इसके दो या तीन एपिसोड देख कर इस ड्रामे को छोड़ देंगे या हम इस ड्रामे को लास्ट एपिसोड तक देख सकेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। एक गुजारिश है, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो की तरफ चलते हैं। हुमायूं सईद इस ड्रामे के अंदर बहुत ही अच्छा लड़का होगा, दूसरों का ख्याल रखने वाला होगा। अगर कोई भी किसी के ऊपर जुल्म कर रहा होगा तो हुमायूं सईद को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जो जुल्म करता है उसे ही ये ख़त्म कर देता है। हुमायूं सईद की ये वाली सोच तो बहुत ही अच्छी सोच है, लेकिन जो हुमायूं सईद का बड़ा भाई है वो हुमायूं सईद से एक वादा लेता है। वो कहता है कि आप मेरे से वादा करो, आपने आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करना। हुमायूं सईद अपने भाई से पूछता है कि मैंने कौन से गलत काम नहीं करने। हुमायूं सईद का जो बड़ा भाई है उसे बताता है कि आपने नंबर वन पे गुंडागर्दी नहीं करनी और किसी को कत्ल नहीं करना और किसी से प्यार नहीं करना। जब तीसरी बार कहता है कि आपने किसी से प्यार नहीं करना तो हुमायूं सईद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो सोचने लगता है। लेकिन आप क्या कहते हैं दोस्तों कि हुमायूं सईद को प्यार नहीं होगा? सबसे पहले हुमायूं सईद को प्यार ही होगा। किससे होगा वो आप लोगों को पता ही होगा कि यमुना जैदी से प्यार होने वाला है हुमायूं सईद को। तो दोस्तों इस ड्रामे का हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस ड्रामे की जो स्टोरी है सब पाकिस्तानी ड्रामों से अलग है। इस ड्रामे का बहुत ही ज़्यादा मैं वेट कर रहा हूँ कि ये ड्रामा हमें कब देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोगों ने हुमायूं सईद के काफ़ी सारे ड्रामे देखे होंगे, लेकिन ऐसा ड्रामा कभी भी नहीं देखा होगा। हुमायूं सईद का ये वाला ड्रामा तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे पास तो मो इस ड्रामे की स्टोरी सब ड्रामों से अलग थी। तो दोस्तों इस ड्रामे ने लोगों को रुला दिया था और ये ड्रामा लोग अभी भी देख रहे हैं, बार बार इस ड्रामे को देख रहे हैं। दोस्तों मैंने भी इस ड्रामे को दो बार देखा है, तो ये ड्रामा वाकई में ही कमाल का ये ड्रामा है। अगर आप लोगों ने मेरे पास तुम हो ये ड्रामा नहीं देखा तो आपने क्या देखा, इस ड्रामे को आप ज़रूर देखें। ये भी हुमायूं सईद का ये ड्रामा है, बहुत ही अच्छा ड्रामा है। तो दोस्तों अब ये जेंटलमैन ड्रामा आने जा रहा है, ये ड्रामा भी बहुत ही कमाल का ड्रामा है। हुमायूं सईद की आप लोगों ने मूवीज़ तो देखी होगी, काफ़ी सारी मूवीज़ हैं, लेकिन आप लोग ये ड्रामा जो देखेंगे, जो आपको मैं बता रहा हूँ जेंटलमैन, तो ये ड्रामा भी बड़े ही कमाल का है। दोस्तों इस ड्रामे में आपको बहुत ही बातें मिलेंगी सुनने को। हमें इस बात का डर है जो हुमायूं सईद का ड्रामा आने जा रहा है जिसका नाम है जेंटलमैन। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा हिट होगा? ये वाली बात मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं ये वाली बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि ग्रीन टीवी चैनल भी है। लोगों को इस बात को तो पता है कि जियो हर पल चैनल भी है और हम टीवी चैनल भी है और ARY डिजिटल चैनल भी है। लोगों को नहीं पता कि ग्रीन टीवी चैनल भी है। अगर लोगों को इस बात का पता चल गया और ये हुमायूं सईद का जो ड्रामा आने जा रहा है जिसका नाम है जेंटलमैन, ये ड्रामा बहुत ही अच्छा होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने इस ड्रामे के टीज़र देखे होंगे, टीज़र देखकर ही लग गया था कि ये ड्रामा बड़े ही कमाल का होने वाला है। इस बात का डर है तो बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी ड्रामा तो अच्छा जाएगा और ड्रामा अच्छा भी है। दोस्तों तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।